मूवी, ठीक है? ओके, ठीक है। तो हमारे पास दो ही टाइप के ज्वाइंट्स हैं, या तो हैं इमूवेबल या फिर हैं मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल ज्वाइंट्स को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड ज्वाइंट्स, और वी कैन से फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट्स, फिक्स्ड ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स, तीनों एक ही बात है, ठीक है। वाइल मूवेबल ज्वाइंट्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, वाइल दी सेकेंड वन इज साइनोवियल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। तो मूवेबल ज्वाइंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक वो मूवेबल ज्वाइंट्स जो कि बहुत स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें, उन्हें हम कह देंगे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, ठीक है। वाइल दो ज्वाइंट्स जो कि हमें फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स और साइनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है। तो इन टोटल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। मेनली हमने क्या बात की? मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, इमूवेबल एंड मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। इमूवेबल ज्वाइंट्स आर फिक्स्ड और फाइब्रस ज्वाइंट्स, वाइल मूवेबल ज्वाइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने कहा वी हैव फिक्स्ड ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स, दो ज्वाइंट्स विच कैन नॉट गिव अस मूवमेंट, ठीक है, जो कि हमें मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो दीज ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, विच डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। ये वो ज्वाइंट्स हैं जो कि बहुत टफ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ एक दूसरे के साथ क्या हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है। और इस ज्वाइंट में हमें मूवमेंट नहीं मिलेगी। कौन से ज्वाइंट्स हैं? ये वो ज्वाइंट्स हैं जो हमने देखे थे अपने स्कल में, याद है हमने कहा था हमारे पास ये स्कल है, ठीक है। स्कल में ये वाली जो बोन्स थी ये क्या कहला रही थी? क्रेनियल बोन्स कहला रही थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था टोटल 8 बोन्स होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है पैराइटल, ठीक है, ये तीसरी टेम्पोरल, ये दूसरी, फिर ये एक और बोन है, ठीक है। ये सारी बोन्स अलग अलग हैं लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट, वेरी टफ एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज इनको क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये बोन इस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये क्या हुआ? इसका ज्वाइंट हुआ, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी का स्कल, किसी का क्रेनियम, किसी की खोपड़ी इधर उधर मूव कर रही हो? कोई कोई बच्चा टकला हुआ और आपने उसका टकले में देखे हो कि उसके जो अलग अलग बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है, वो क्रेनियल बोन्स अलग अलग मूव कर रही हैं, ठीक है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा ऐसा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट हैं ये बोन्स बहुत टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन की गई हैं, ठीक है। और ये ज्वाइंट्स फिक्स्ड ज्वाइंट्स हैं, दे कैन नॉट मूव, दीज ज्वाइंट्स आर नोन एज इमूवेबल ज्वाइंट्स और फिक्स्ड ज्वाइंट्स और फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है। और ये जो लाइंस नजर आ रही हैं जॉइंट्स की, नाम सूचर्स कहते हैं, ठीक है, सूचर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं, इन क्रेनियल बोन्स में ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है, दे कैन नॉट मूव, दे डोंट प्रोवाइड अस मूवमेंट, देयरफॉर दे आर फिक्स्ड जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद ये देखो कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, दीज आर दोज ज्वाइंट्स जो कि हमें पार्शियली जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, पार्शियल मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि हम इन्हें फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बहुत हल्का फुल्का सा मूव किया जा सकता है इनको, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है सिम्फाइसिस प्यूबिस, आपको याद है हमने यहाँ पेक्टोरियल गर्डल में तीन बोन्स पड़ी थी, हमने कहा था वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स इन दिस पेल्विस, ठीक है। पेल्विस थी ना, पेल्विस की तीन टाइप की बोन्स थी, एक थी प्यूबस, एक थी इशियम, एक थी इलियम। यहाँ देखो ये ब्रॉडर वाली क्या थी? इलियम। आगे जो आ रही थी ये हमारे पास क्या थी? प्यूबस। और ये पीछे वाली क्या थी? इशियम, दिस वन, ठीक है।
तो ये जो आगे वाली प्यूबिस है, ये देखो दोनों प्यूबिस एक दूसरे के साथ यहाँ से ज्वाइन है इस कार्टिलेज से, ठीक है। ये ज्वाइन हमें बजाहिर लगता है कि ये इमूवेबल ज्वाइन है, इट कैन नॉट मूव, और कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि हमारी पेल्विक गर्डल की प्यूबिस कभी मूव कर रही हो, ठीक है। लेकिन इट इज पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ये पार्शियली मूव करता है, ये पार्शियल मूवमेंट प्रोवाइड करती है तब जब चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है। यहाँ से चाइल्ड बर्थ होगी, ठीक है, तो तब ये वाला ज्वाइंट पार्शियली मूव करेगा, ठीक है। तो ये ज्वाइंट पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, बिकॉज हमें स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। प्लस इसके साथ याद है आप लोगों को, हमने रिब केज में पढ़ा था, यहाँ पर हमने कहा था ये जो रिब केज है इसमें देखो ये बोन्स थी, ठीक है, ये कार्टिलेजेस थे और इनके बीच में ये जो ज्वाइंट था, मैंने कहा था दिस ज्वाइंट इज पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि हम जब सांस ले रहे होते हैं, एक्सहेल एंड इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये स्लाइटली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो वो स्लाइट मूवमेंट हमें ये वाला ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहा है, दिस ज्वाइंट इज पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, ये रिब केज के ये वाले ज्वाइंट्स, ठीक है। सो दीज आर पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स बिकॉज ये हमें बहुत स्लाइट सी मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन हमारे पास ये वाला ज्वाइंट है, ये भी हमें स्लाइट सी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दे आर स्लाइटली और पार्शियली और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जो कि फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल तो आपके अपने लिम्स हैं, अगर आप इस लिम की बात करें, आप इस लिम की बात करें, ठीक है, अपने आर्म की बात करें, आप अपनी लेग की बात करें, तो आपको पता है कि आपका आर्म, इस पूरे आर्म को आप यहाँ से पीछे से घुमाकर वापस आगे भी लेकर आ सकते हैं, आगे से घुमाकर वापस पीछे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ इस लेग की बात करें, तो इस लेग को आप इस तरह से यूं गोल भी घुमा सकते हो, यहाँ से पीछे भी लेके जा सकते हो, यहाँ से आगे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमें, ये वाले ज्वाइंट्स, ये वाले ज्वाइंट्स, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ठीक है, ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, साइनोवियल ज्वाइंट्स और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, बिकॉज ये हमें एक वाइड रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं मूवमेंट, ठीक है। अब इसे वन बाय वन हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये तीन ज्वाइंट्स और इनका डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे जॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट या बल्कि वो पॉइंट, हाँ ठीक है, वो पॉइंट जहां पर हमने कहा था कि बहुत टफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिन्होंने दो बोन्स को एक दूसरे के साथ मिलकर क्या किया है, अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है, या ज्वाइंट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो वाले ज्वाइंट्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, वो ज्वाइंट्स, ठीक है, वेरी गुड, वो ज्वाइंट्स जो कि हमें स्लाइट सी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने रिब केज में देखा और हमने देखा प्यूबिस बोन, ठीक है, वो वाले ज्वाइंट्स क्या कहलाएंगे, ठीक है, वो वाले ज्वाइंट्स कहलाएंगे मूवेबल ज्वाइंट्स, लेकिन कौन से मूवेबल ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस या फिर पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स, वेरी गुड। इसके बाद, वेरी गुड, ठीक है, इसके बाद वो ज्वाइंट्स जो कि हमें फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल, वेरी गुड। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये है कैसे। पहले हम स्ट्रक्चर ना देख लें, देखो पहले स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, देखो ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है जिसे हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, ये वो ज्वाइंट है जो कि हमें मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगा मूवमेंट में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन, हमने कहा दो बोन्स के बीच में जहाँ पर भी आर्टिकुलेशन हो रही होगी, यानी कि दो बोन्स एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पर आर्टिकुलेट करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है। तो ये ज्वाइंट है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ आपको कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच्ड हैं, किस तरह से एक ज्वाइंट फॉर्म कर रही हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये बोन इस बोन के साथ किसी भी पॉइंट से यहाँ से अटैच्ड नहीं है। तो फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करके, हेल्ड करके किसने रखा हुआ है? ठीक है, तो वो है हमारे लिगामेंट्स। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिया है अल्लाह ताला ने। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कौन कर रहा है? ये लिगामेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लिगामेंट इस बोन के साथ यहाँ से अटैच्ड है और इस बोन के साथ यहाँ से अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इन दोनों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइन करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये लिगामेंट्स जब इन दोनों बोन्स को इस तरह से कवर करेंगे और एक दूसरे के साथ हेल्ड करके रखेंगे, तो बीच में एक कैप्सूल सा बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ज्वाइंट कैप्सूल या फिर साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हर एक चीज के साथ साइनोवियल 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 लगा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि इन दोनों बोन्स को एक दूसरे के साथ अटैच किसने करके रखा है? लिगामेंट ने अटैच करके रखा है। दूसरी बात हमने ये की कि इन लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से बीच में एक कैप्सूल फॉर्म हुआ है इस ज्वाइंट के सराउंडिंग में। जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, कैविटी फॉर्म हुई है, इस कैप्सूल को हमने क्या कह दिया है? ज्वाइंट कैप्सूल कह दिया। ठीक है, अब ये बोन और ये बोन एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? आर्टिकुलेट करेंगी। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करेंगी, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये बोन इस बोन के साथ क्या करेगी? रगड़ेगी और फ्रिक्शन क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन, अल्लाह ताला ने एक और चीज दी इनको, वो क्या दिया? वो दिया ये कैप, ये कवरिंग, जो कि कार्टिलेजिनस इन नेचर है। ठीक है, और आपको पता है कार्टिलेज स्लिपरी भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। तो एज कम्पेयर टू बोन्स, अगर यहाँ पे बोन होती, यहाँ पर भी बोन होती, तो हमें पता है हार्ड है, बहुत टफ है, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करती। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों बोन्स के पे यहाँ पर भी एक कैप दे दिया है कार्टिलेज का, इस बोन पर भी एक कैप दे दिया है कार्टिलेज का। ठीक है, इससे हुआ ये है कि ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, ग्लाइड करेंगी, जो भी करी होंगी भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये कार्टिलेज ही रहता, ठीक है, तो कार्टिलेज भी एक टाइम, कुछ टाइम के बाद ऐसा होता कि ये कार्टिलेजेस भी एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर आती और फिर यहाँ पर हमारे पास अगेन प्रॉब्लम आ जाती। तो अब अल्लाह ताला ने अगेन हमको एक और चीज दे दी है यहाँ पर ज्वाइंट में। ठीक है, और वो क्या दिया है? वो दिया है एक ल्यूब्रिकेंट, जिसे हम क्या कहेंगे? साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, इस ल्यूब्रिकेंट को हम क्या कहेंगे? साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है। इस साइनोवियल फ्लूइड को इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में, यहीं पर इन दोनों बोन्स के बीच में यहीं पर रखने के लिए अल्लाह ताला ने इनके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन दे दी, ताकि ये मेम्ब्रेन इस पूरे फ्लूइड को, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कह रहे हैं, जो एज ल्यूब्रिकेंट काम करेगा यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने डिफरेंट इंजन और मशीन में ऑयल्स यूज करते हैं ना, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, बिल्कुल वही ऑयल वाला काम करेगा यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और इस साइनोवियल फ्लूइड को इस जगह पर रखने के लिए अल्लाह ताला ने इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन दे दी। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इस मेम्ब्रेन को कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इस फ्लूइड को यहीं पर गैदर करके रखेगी। ठीक है, इन बिटवीन दीज टू बोन्स। ठीक है, ताकि हमें फ्रिक्शन लेस एनवायरमेंट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की? हमने बात की दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो ये क्या है? एक ज्वाइंट। ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ होल्ड किसने करके रखा हुआ है? इन लिगामेंट्स। ठीक है,
चारों तरफ से इन लिगामेंट्स ने इसको होल्ड करके रखा, तो बीच में कैप्सूल सी फॉर्म हो गया है। उस कैप्सूल को हमने क्या कह दिया है, साइनोवियल कैप्सूल या फिर ज्वाइंट कैप्सूल। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकती थी, फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती थी, तो अल्लाह ताला ने एक कैप दे दिया जो कि कार्टिलेजिनस नेचर है। ठीक है, प्लस इसके साथ अल्लाह ताला ने एक और चीज दी है जो कि एज लुब्रिकेंट एज ऑयल यूज होगी, वो क्या है, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, इस साइनोवियल फ्लूइड को इसी ज्वाइंट में इसी पॉइंट पर रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक और कवरिंग प्रोवाइड की है इन्हें। ठीक है, उस कवरिंग को हमने क्या कहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से देखने में लग रहा है एक इधर है एक इधर है, लेकिन ये तो टीएस है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये तो हमको पता होगा ये चारों तरफ होगी इसके, तो उसके बीच में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा, फिल्ड होगा। ठीक है, जो कि इन दोनों ज्वाइंट्स इन दोनों बोन्स के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइड मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, स्लाइड को अच्छी तरह से गौर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर को एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देखना क्या क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि दो बोन्स एक पॉइंट पर आर्टिकुलेट कर रही हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों को होल्ड किसने रखा हुआ है करके, इन लिगामेंट्स ने। ठीक है, इन लिगामेंट्स की सराउंड करने की वजह से बीच में जो कैप्सूल फॉर्म हुआ है उसे हमने ज्वाइंट कैप्सूल कह दिया है या साइनोवियल कैप्सूल कह दिया है। ठीक है, इन दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अल्लाह ताला ने जो दो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, एक तो ये कार्टिलेजिनस कैप प्रोवाइड किया है दोनों बोन्स पर। ठीक है, और दूसरा इनके बीच में एक फ्लूइड दिया है जिसे हम सिलोमिक कह रही हूँ, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, और इस साइनोवियल फ्लूइड को यहीं पर रखने के लिए एक मेम्ब्रेन भी है जो कि इसको कवर करके रखेगी। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये था साइनोवियल ज्वाइंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइनोवियल ज्वाइंट्स यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स में कौन सी है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, वहां पर एक सॉकेट मौजूद है, ये वाला एक कैविटी है इस तरह से, ये सॉकेट है, और इस सॉकेट में हमारी ह्यूमरस का जो हेड है क्योंकि राउंडेड है, ठीक है, वो फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉल है, ये सॉकेट है, तो इस ज्वाइंट को हमने क्या कह दिया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट हमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें आप देखते हो आप अपना पूरा बाजू आगे से लेके पीछे से घुमा के वापस भी आगे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो ये कप शेप्ड सॉकेट है, इस सॉकेट में इस सॉकेट के जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ये बॉल फिक्स हो रही है। ठीक है, और ये बॉल जिस तरफ चाहे घूम सकती है, रोटेट करेगी। ठीक है, तो वो ज्वाइंट भी जिस तरफ चाहे रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अपनी लेग में भी देख लेते हैं, ये है हमारी पेल्विक गर्डल। ठीक है, उसका एसिटाब्यूलम यानी कि उसकी वो कैविटी,
वो सॉकेट जिसमें हमारी फीमर का जो राउंडेड हेड है वो फिक्स हुआ। ठीक है, अब आपकी फीमर आराम से यहाँ से गोल घूम के वापस पीछे से भी आ सकती है, आगे से गोल घूम के वापस आगे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है ये हमारा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम फ्रीली अपने लिम को मूव कर सकते हैं। और इसको बॉल एंड सॉकेट क्यों कहा है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, ये लगता है कि एक सॉकेट है, ठीक है, और उस सॉकेट में एक बॉल फिक्स की गई। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, और हमें मैक्सिमम मूवमेंट की रेंज यही वाला ज्वाइंट देता है। सेकेंड इज हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ये वो ज्वाइंट है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा डोर होता है ना, हिंज डोर काम करता है, जो कि सिर्फ एक ही तरफ खुलता है। आप देखते हो आपके रूम का डोर अगर अंदर की तरफ खुल रहा है तो वो अंदर ही की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं खुल सकता। ठीक है, तो ऐसे डोर को हम क्या कहते हैं, हिंज डोर। तो यही बात अगर हम करें अपने नी ज्वाइंट की, तो आपको पता है कि नी ज्वाइंट में आप अपनी लोअर लिम को, इस वाली बोन्स को यहाँ पर तो मूव करवा सकते हैं टुवर्ड्स दी फीमर, लेकिन इसको अवे फ्रॉम दी फीमर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, घुटना आपका यहाँ से जब ये टांग बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो ये घुटना आपका इस टांग को वापस इस तरफ मूव नहीं करवा सकता। तो एक ही तरफ क्या कर रहा है, एक ही तरफ हमें प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट। तो दिस इज हिंज मूवमेंट। कौन प्रोवाइड कर रहा है, हिंज ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह हम अगर अपनी एल्बो की बात करें तो एल्बो आपके हाथ को आपकी ह्यूमरस की तरफ लाएगा, ह्यूमरस से अवे लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हाथ को स्ट्रेट तो कर सकता है यहाँ से, इस आर्म को यहाँ से स्ट्रेट तो करवा सकता है, लेकिन स्ट्रेट करवाने के बाद इस तरफ मूव नहीं करवा सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट। तो आप अपनी कोनी को एक ही तरफ मूव करके क्लोज कर सकते हो, दूसरी तरफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको दो टाइप के मूवमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये क्या होती है, ये देखो यहाँ पर ये एल्बो ज्वाइंट है, हमने कहा ये एल्बो ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट है, यानी कि ये एक ही साइड पर मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये हाथ को यहाँ लेकर आ सकता है, यहाँ से हाथ को यहाँ लेके जा सकता है, बस यहाँ से पीछे नहीं लेके जा सकता। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये जो कोनी है, आपकी ये जो एल्बो है यहाँ पर, ये हिंज क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, तो ये इसको आपके इस आर्म को इस तरफ लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है, हिंज ज्वाइंट। अब अगर लेग की बात करें तो लेग का ये वाला जो ज्वाइंट है आपका नी ज्वाइंट। ठीक है, ये आपकी लोअर लेग को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आ सकता है आपकी फीमर के पास, यहाँ से वापस भी यहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ से आगे इस तरफ नहीं लेके जा सकता ये वाला ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ से इस तरफ नहीं लेके जा सकता। ठीक है, फोर्सफुली लेके जाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये नी ज्वाइंट आपकी लेग को, लोअर लेग को यहाँ से आगे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में डिफरेंस क्या है, देखते हैं। ये एक एंगल रूल, ठीक है, इस ज्वाइंट का, जिसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट हमने कहा हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फ्लेक्शन क्या है कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इस हिंज ज्वाइंट का, ठीक है, इस ज्वाइंट का एंगल रिड्यूस किया जाए, यानी कि इस ज्वाइंट को, ये जो बोन है इसको मैं मूव करूं अपवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स दिस फीमर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो ये जो एंगल होगा इसका, ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, जब ये एंगल रिड्यूस होगा तो इस मूवमेंट को मैं क्या कहूँगी, फ्लेक्शन। यही मूवमेंट अगर मैं यहाँ एल्बो में देखती हूँ तो मैं अपने इस आर्म को यहाँ से यहाँ मूव करवाती हूँ अपने ह्यूमरस की तरफ, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल रिड्यूस होगा, क्योंकि मैं इसको अपवर्ड मूव करा रही हूँ ह्यूमरस की तरफ, तो ये एंगल क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब ये एंगल रिड्यूस होगा तो ये एक्शन क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, यही बाजू अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जब ये एंगल इंक्रीज होगा तो ये कौन सी मूवमेंट कहलाएगी, एक्सटेंशन कहलाएगी। ठीक है,
तो जब किसी ज्वाइंट का एंगल, ये जो ज्वाइंट है इसका एंगल फिलहाल आपको 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो ये रिड्यूस हो रहा होगा 90 से 80, 70, 45, ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। लेकिन इसके इस हाथ को मैं यहाँ से इस तरफ लेकर आ रही हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये एंगल इंक्रीज होगा, 90 से ऊपर जा रहा होगा, 100, 110, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन, ठीक है, और ये 180 पे आकर रुक जाएगा, ठीक है, 180 से पीछे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये लेग भी नीचे आएगी, यहाँ से 180 तक आएगी, 180 के बाद आगे नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर आगे जाएगी तो यहाँ से ये पूरी लेग जाएगी, अपर और लोअर दोनों एक साथ आगे जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बॉल एंड सटन ज्वाइंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंज ज्वाइंट है तो ये यहाँ से लेग को, लोअर लेग को आगे नहीं लेके जा सकती, ठीक है। तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मुझे बताओ, ये दोनों क्लियर है? फ्लेक्शन में हमने कहा है कि जो एंगल है ये रिड्यूस हो रहा होगा, और एक्सटेंशन में ये मूव करेंगे इस तरफ और ये एंगल इंक्रीज हो रहा होगा। जी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्लियर है? चलो नेक्स्ट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, ठीक है, बजाहिर देखने में बहुत आसान है, हम कहते हैं कि ये हमें रोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी ये जो स्कल है आपके इस वर्टिब्रल कॉलम पर यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर पिवट ज्वाइंट प्रेजेंट है जो कि आपकी खोपड़ी को इस तरफ भी मूव करवा सकता है, रोटेट करवा सकता है, उस तरफ भी रोटेट करवा सकता है, ठीक है। आपका स्कल इस तरफ भी रोटेट हो सकता है, इस तरफ भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो ये रोटेशन हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, पिवट ज्वाइंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इस पिवट ज्वाइंट का की शेप कैसी होगी, ठीक है, यहाँ पर एक सॉकेट होगा जो कि सेमी सर्कुलर होगा, इस सॉकेट में एक दूसरी बोन आकर अटैच होगी जिसका सर्कुलर हेड इस सॉकेट में फिक्स होगा, ठीक है। ये वाली बोन तो ऐसे ही रहेगी, ये जो है ना ये इस तरह से इस बोन के सराउंडिंग में अराउंड यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यानी कि रोटेट होगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, ठीक है। और आपका लेंग या आपकी नेक जो भी जिसमें भी ये ज्वाइंट प्रेजेंट है वो रोटेट कर सके, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक लिंक है, हम इसको देखते हैं, जब तक ये लिंक नहीं देखोगे ना तो आपको ये पिवट ज्वाइंट सही वाला क्लियर नहीं होगा। अभी बजाहिर आपको लग रहा होगा कि हमें क्लियर हो गया कि रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर इसमें इस वीडियो में हमें नजर आएगा कि इन एक्चुअली हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू ट्विस्ट द फोरआर्म। वेल लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट जॉइंट, द लॉन्ग एक्सिस। अ सिलिंड्रिकल बोन फिट्स इनटू अ रिंग ऑफ bone and ligament, like the radial ulnar joint just below the elbow. अच्छा यहाँ पर पहले देख लेना, ये वाली जो बोन है ना ये ह्यूमरस है और ये रेडियस और अल्ना है, ठीक है, ये अल्ना है, ये रेडियस है हमारी, ठीक है, ये जो ऊपर वाली बोन है ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है। ये वाली बोन वही है जिसमें हमने कहा था एक सेमी सर्कुलर कैविटी है इस तरह से, और उस सेमी सर्कुलर कैविटी में ये राउंडेड हेड वाला, ये राउंडेड हेड वाला जो बोन है ये अटैच हुआ है यहाँ, ठीक है, आर्टिकुलेट करेगा, ठीक। दूसरी बात, इन दोनों को हमने कहा था कि दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होती हैं, लिगामेंट के थ्रू, तो एक लिगामेंट होगा जो कि इन दोनों को फिक्स करते रहते हैं। अब देखो आगे ये मूव कैसे करते हैं। The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulna bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place and allow the radius only to rotate inside of it. The result on the forearm is what we call pronation and supination. During pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. The ulna stays relatively still. Remember, the hinge joint at the elbow prevents the ulna from twisting. So all of that twisting happens at the radius.
तो जब आप इस तरह से हाथ सीधा करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नाम पे रबड़ दे दो बाबा, किसी के पास रबड़ है तो ठीक है, तो हम हाथ सीधा करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि रबड़ देने के लिए कोई हाथ उल्टा करके देगा रबड़, And by the way, that twisting इस तरह happens at उल्टा करके देगा, ठीक है। तो ये जो हाथ को सीधा और उल्टा कर रहे हैं ना हम, हमें ऐसे लगता है हमें रिस्ट, ये जो हमारी रिस्ट है ये हेल्प करती है हाथ को सीधा और उल्टा करने में, लेकिन हाथ को सीधा और उल्टा करने में ये रिस्ट हेल्प नहीं कर रही हमें, बल्कि ये वाला ज्वाइंट जो तो पिवट ज्वाइंट है ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके सेमी सर्क्यूलर नॉच में ये जो सर्क्यूलर हेड है इस बोन का, ठीक है, रेडियस का, ये क्या करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हमें मिलती है हाथ, ठीक है। तो अभी आप बैठे बैठे भी हाथ को ऊपर और नीचे करके देखोगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ ये रिस्ट से नहीं हो रहा, ये हमारी पूरी ये वाली बोन आप देखोगे कि रोटेट होकर इधर आती है और इधर आती है, ठीक है। एनिमेशन दोबारा देख लो, देखो all enough from twisting. So all of that twisting happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulna. Okay. ये क्या थी हमारी रेडियस, ठीक है, सॉरी अल्ना, ठीक है, और इसके अंदर हमारी रेडियस का ये वाला है इतना ज्यादा फिक्स हुआ था, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा इस अराउंड, जब ये रोटेट करता था तो हमारा हमने देखा हैंड किस तरह सीधा भी हो रहा है उल्टा भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है, और यही पिवट जॉइंट हमारे यहाँ नेक में भी प्रेजेंट है जो हमें हमारे स्कल को इधर और उधर रोटेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट एंड स्लाइडिंग जॉइंट, सबसे ईजी यही है, ठीक है, इसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ना होता, हमने सिर्फ दो वर्ड्स यूज करने होते हैं सिंपल, ठीक है। वो क्या, पहला क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, आप देखोगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट में, अच्छा ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पर आपकी रिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। आप अपनी जो है वो मुट्ठी बनाओगे, फीस्ट बनाओगे, और फिर अपनी उस पूरी फीस्ट को जो है वो सर्क्यूलर वे में मूव करो, ठीक है, अभी बैठे बैठे भी आप मूव कर सकते हो, आप फीस्ट बनाओ और अपनी फीस्ट को सर्क्यूलर वे में मूव करो, ठीक है, क्लॉक वाइज भी एंटी क्लॉक वाइज भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा कि रिस्ट में जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही हैं, ठीक है, और कभी कभी तो आवाजें भी आ रही होती हैं इनमें से, ठीक है, कभी कभी इनमें से क्रिच क्रिच क्रुच क्रुच की आवाजें भी आ रही होंगी, ठीक है। तो असल में होता यह है कि जिस भी तरह की इनकी शेप है उसी शेप में ये क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही होती है, ठीक है, ये जो टार्सल्स और कार्पल्स हैं हमारे फुट में भी हैं, ठीक है, और हमारे हाथ में, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है, स्लिप कर रही होती है। ये जो स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे जो हमें मूवमेंट मिलती है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, और ये ज्वाइंट क्या कहलाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कि आपकी फीस्ट को सर्क्यूलरली, अगर आप सर्क्यूलर वे में मूव करते हो एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, सिंपली बाय स्लिपिंग द टार्सल्स, ठीक है, या कार्पल्स, पाँव की बात करें या हम उनके हाथों की बात करें, दोनों में यही बात होगी, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या कहलाई, ग्लाइडिंग, जिसमें सिंपल स्लिप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर ये बोन्स, ठीक है। दूसरा क्या है, स्लाइडिंग, ठीक है, ये जो स्लाइडिंग है ना, ये आपको एक तो वर्टिब्रल कॉलम में भी दिखेगी, आप देखते हो ना वर्टिब्रल कॉलम को बेंड करके आगे भी ले आते हो, बेंड करके पीछे भी ले जाते हो, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में भी दिखेगी, जिसमें होगा ये कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लाइड कर रही होगी, एक वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर स्लाइड करेगा, बीच में आपको पता है कि कुशन प्रेजेंट है किसका, कार्टिलेजेस का, यही बोन्स हमारे मेटाटार्सल्स में भी है। ये कब आपको फील होगा, जब आप अपनी फीस्ट बनाओगे और फीस्ट को रोटेट नहीं करोगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करोगे, ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट आपको मिलेगी इन मेटाटार्सल्स के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की वजह से, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर प्लेनली स्लाइड हो रहे हैं, जबकि ये जो हमारे ग्लाइडिंग मूवमेंट थी, ठीक है, ये हमारे पास छोटी छोटी गोल गोल भी हो सकती हैं, थोड़ी सी ओवल शेप भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती हैं, जैसी भी स्ट्रक्चर होगा बोन का उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वो बोन्स, छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे पर क्या कर रही होंगी, स्लिप कर रही होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आवाजें भी आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्लिप फ्लिप नहीं कर रही है, ठीक है, प्लेन सरफेस के ऊपर स्लाइड किया जा रहा है,
आगे पीछे ऊपर या हम कह सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है, स्लाइडिंग मूवमेंट, और ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ठीक है। तो स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, ठीक है। अगर बोन इस तरह से सर्क्यूलर है तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से यूं स्लिप करेगी, यहाँ से यूं स्लिप कर रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करती हैं, स्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम्स में आपको नजर आती है, ठीक है। मुझे ये बताओ स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग क्लियर है, कहाँ हुआ आप लोग? यहाँ प्लीज शो प्रीवियस टू स्लाइड्स, अच्छा दिखा देते हैं। प्रीवियस टू बोले तो कौन सी होगी, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग से पहले पिवट, और पिवट से पहले ये एक्सटेंशन और फ्लेक्चर। देख लो एक्सटेंशन में हमने क्या कहा था, ज्वाइंट का एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि दो बोन्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर जब जा रही होंगी तो एक्सटेंशन होगा, टुवर्ड्स फ्रॉम टुवर्ड्स ईच अदर आ रही होंगी तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ये वाली बोन क्या हो गया, ये फीमर इस टिबियोफिब्यूला से, फीमर और ये टिबियोफिब्यूला एक दूसरे से दूर जाएंगी, फीमर यहाँ पर है, टिबियोफिब्यूला से दूर जाएगी तो एंगल इंक्रीज होगा, एक्सटेंशन। यही टिबियोफिब्यूला इस फीमर के करीब जाएगी, एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। फ्लेक्शन, पिवट, पिवट में हमने क्या कहा कि यहाँ पर रोटेशन मिल रही है हमें, ठीक है, रोटेशन मिल रही है, पिवट जॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से एक बोन सेमी सर्कुलर है, ठीक है, और इसके नॉच के अंदर दूसरी बोन का हेड जो कि राउंडेड है वो इस तरह से अटैच होगा, और यही राउंडेड हेड इसके यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट करेगा और आपको रोटेशन मिलेगी। ग्लाइडिंग में हमने कहा छोटी छोटी सी बोन्स हैं, स्लिप होंगी एक दूसरे के ऊपर, जबकि स्लाइडिंग में सिंपली सीधी सीधी प्लेन प्लेन स्लाइड कर रही है, ठीक है।